दोस्तों आज के समय एक बात तो है कि सोशल मीडिया उस लेवल का हथियार बन चुका है कि भाई जिसको चाहे खुश कर दे और जिसको चाहे डिप्रेस। हाल फिलहाल मनीषा रानी इस समय ट्रोलर्स का शिकार बनी हुई है और ये समझ लीजिए कि भाई या तो सोच समझ के या तो जानबूझकर और सोच समझ कर मनीषा रानी को इस शिकार पे लिया गया है, ट्रोलर्स ने अपने निशाने पर लिया है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, किस लिए, तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मेरा नाम गणेश कांदू है और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। देखिए कैसा होता है ना कभी कभार कि अगर आप किसी क्रिएटर सर्किट में हैं जहां पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उन क्रिएटर्स से मिलें और उनके साथ कोलैब करें। इससे होगा कि आपकी ऑडियंस उनके पास जाएगी और उनकी ऑडियंस आपके पास भी आएगी, जिससे एक अच्छा एटमोसफियर कह लीजिए, नेचर कह लीजिए या फिर फैन फॉलोइंग जो है उसकी ग्रोथ होगी। तो मनीषा रानी ने भी कुछ ऐसा ही किया। मनीषा ने ठगेश के साथ एक कोलैबोरेशन की एक यूट्यूब पे वीडियो डाला जिसमें मनीषा उनके लिए चाय बनाती हुई दिख रही हैं, दोनों साथ में चाय पीते हुए दिख रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को हग किया। अब ये हग वाली जो तस्वीर है इसको कुछ लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि लो भाई नया हैशटैग मिल गया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि लो भाई शुरू हो गया। और बहुत गंदे शब्द और गलत शब्द जो कि मैं यहाँ इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, उस तरीके की बातें। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ना ये अधिकार किसी ने आपको दिया है कि आप किसी को जस्टिफाई कर सके किसी के भी कोई एक्शन को, और ना आप कोई ठेकेदार बैठे हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है। इस समय मनीषा का ट्रोल होना ये बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो बीन ए क्रिएटर वो एक दूसरे क्रिएटर से मिल रही हैं और अगर आप उसको किसी गंदे नज़र से ही देखना चाह रहे हैं तो फिर ये गंदी नज़रें और आपका जो गंदा दिमाग है वो अपने तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल मनीषा रानी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है उनको लेकर गलत चीज़ें बोली जा रही हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।